वेलकम टू पूर्णिया. थैंक यू. मेरा क्वेश्चन है, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूरा सीमांचल एरिया जो है और इसके बांग्लादेश से सटे हुए जितने एरियाज हैं वो बांग्लादेशी माइग्रेंट से बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ का ओवरक्राउडेड हैं. यहाँ यहाँ का डेमोग्राफी चेंज कर दिए हैं वो लोग आफ्टर 1971. तो आप एनआरसी के मुद्दे पे पूर्णिया आए हैं और इस मैटर में आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, एनआरसी पहले चीज़ से समझना है कि एनआरसी हम सोचते हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर करने के लिए है. इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर करने के लिए एक प्रोसीजर है, नेशनल रजिस्ट्री ऑफ सिटीजनशिप, जैसे हमने आसाम में किया. तो किस तरीके से उसको किया, जिस तरीके से किया, अल्टीमेटली हम डॉक्यूमेंट के बेसिस पे करते हैं, है ना. तो क्योंकि हमें आज जो अंदर आ गए ये तो नहीं बोल सकता है कि वो खुद के आया था या पहले से था यहाँ पे, हम नहीं तय कर सकते. हम तय करेंगे डॉक्यूमेंट के बेसिस पे. और सबसे पहली बात, डॉक्यूमेंट किन लोगों के पास नहीं होता. तो ऐसे हमने ये डिसाइड कर रहे हैं कि जिनके पास डॉक्यूमेंट है वो इंडियन है, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है वो घुसपैठी है या इलीगल इमिग्रेंट है, ये हम डिसाइड कर रहे हैं. तो समझने की पहली बात ये है कि डॉक्यूमेंट किन के पास नहीं होता. नहीं होता किन के पास नहीं होगा, गरीबों के पास नहीं होगा, जो होमलेस है उनके पास नहीं होगा. ये सीमांचल बिल्कुल बाढ़ से प्रभावित है, हर इधर उधर लोग भागते रहते हैं. मैं पता है केरला से 50 ईयर्स डॉक्यूमेंट्स रखना भी एक प्रॉब्लम है. 50 ईयर्स कोई भी साल के पूछ लीजिए. कहीं सारे मूल निवासी, उनको तो पहली बार, मुझे पता है जहाँ मैं डीएम था पहली बार हम डॉक्यूमेंट मतलब जो भी डॉक्यूमेंट सब कर रहे थे. तो इतनी सारी जनता, जो महिलाएँ हैं जो शादी करके कहीं कहीं जाते, जो माइग्रेंट यहाँ से बॉम्बे और दिल्ली में काम करने के लिए गए होंगे, झुग्गियों में रहते होंगे, कहीं मुश्किल से अपने कमा रहे हैं, उनका क्या सिचुएशन है? तो इन सारे लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा. जब और अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हैं एनआरसी में, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है उनको आप इलीगल इमिग्रेंट कह रहे हैं. तो इफेक्टिवली हम ये करना चाहते हैं. ऐसे ही हुआ आसाम में, डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे हम लोग सिटीजनशिप को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं या उसको इसको इलीगल इमिग्रेंट. और एक और बात ये है, इसमें एनआरसी की एक्सरसाइज सिर्फ ये नहीं है कि डॉक्यूमेंट के बेसिस पे करें. एनआरसी की एक्सरसाइज में सरकार ये कह रहा है कि हमें जो करना है, बेसिकली इलीगल इमिग्रेंट कौन है नहीं है ये आइडेंटिफाई करके एस्टैब्लिश करने का काम जो है ये सरकार का है. उसके जगह पे सरकार ये कह रहा है अब हर नागरिक ये प्रूव करे कि वो नागरिक है. जो नागरिक प्रूव ना कर पाए वो इलीगल इमिग्रेंट है, घुसपैठिए बेसिकली बाई एक्सक्लूशन, कि तुम ना प्रूव कर पाए तो तुम इलीगल इमिग्रेंट हो. ऐसे में किसके ऊपर बर्डन आता है? कोई इसमें कोई मुसलमान हिंदू की बात ही नहीं है इसमें. जो बिल्कुल वीकर सेक्शन है, वीकर सेक्शन है, पुअर है, गरीब है, अनएजुकेटेड है, इन सब की जो है बात है. अमीर मुसलमान भी बना. और सब एक और चीज़ हमें सोचने की बात है, सबसे पहले जो इलीगल इमिग्रेंट आते हैं तो क्या बनाता है? डॉक्यूमेंट्स, अपना आइडेंटिटी प्रूफ, क्योंकि उसको पता है कि उसी से उसका वजूद है. वजूद है सही. तो उसी के बेसिस पे हम बोल रहे हैं कि हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन घुसपैठी है कौन नहीं है. पूरी आप जो करना चाहते हैं उसकी भी कंप्लीट ऑपोजिट प्रोसेस अपना रहे हैं. उसके प्रिंसिपल यही चीज़ है. हम सोचते हैं एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ठीक है आपने समझ लिया, मेरा राय हो सकता नहीं अलग बात है, समझ लिया. उसके बाद आप जो सोल्यूशन लेके आते हैं उसको सोच समझ के सोल्यूशन लेना चाहिए. नहीं तो जैसे आसाम में किया, 6 साल लगा, 50,000 लोग एम्प्लॉय लगे हुए थे उस करने के लिए 6 साल, 1600 करोड़ पैसा जो है खर्च हुआ सरकार की तरफ से. और जनता जो अपने आइडेंटिटी प्रूफ, इसमें किसी में यू लिखा हुआ था किसी में ए लिखा हुआ था, इसको ठीक करने में आने जाने में 8,000 करोड़ खर्चा, एक रिपोर्ट के हिसाब से 8,000 जनता के पैसा खर्च हुए. और उसके बाद कई सारे डेथ हुए, कई सारे लोगों, कई लोगों के मेंटल डिप्रेशन, मेंटल एग्नी हुए. कई लोगों के सुने सर मैंने कि लाखों रुपए खर्च हो गए वो डॉक्यूमेंट बनाने में, क्योंकि ऐसे कोई नहीं है इंडिया में, डॉक्यूमेंट नहीं बना सकता, कुछ भी डॉक्यूमेंट बन सकता है. ये सब करने के बाद आज सरकार ने कल डिसाइड कर रही है कि उसको हम जंक करेंगे, उसको लिस्ट को ना बीजेपी का सरकार आसाम के बुलाए या गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में भी बुलाए कि हम उसको दोबारा करेंगे. तो ये पूरी एक्सरसाइज जो आपने इतना करने के बाद, इतने खर्च होने के बाद, इतने खर्च, सोचिए टीचर्स जो पढ़ाना चाहिए स्कूल में वो पिछले 6 साल से ये कर रहे थे, एनआरसी कर रहे थे, कि एक जनरेशन की एजुकेशन गए, जो लोगों के जान गए, जैसे नोटबंदी में भी किया, जो लोगों की जान गए, अभी मिला क्या उससे? अल्टीमेटली ये सब करने के बाद वो प्रोसेस आपने जंक कर रहे हैं, क्योंकि उसमें पता चला है कि डॉक्यूमेंट तो मेजोरिटी तो हिंदुओं के पास नहीं था. ऐसा नहीं था कि हिंदू मुसलमान के हिंदुओं के पास नहीं था जो डॉक्यूमेंट नहीं था, तो क्या किया अल्टीमेटली? ये चीज़ सोल्यूशन जो बिना सोच समझ के, मैं इसलिए कहता हूँ कि सरकार बहुत बेवकूफ किस्म की सरकार है. ये सिर्फ ईविल की बात नहीं है, बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बातें करते रहते हैं.
ऑलरेडी इतना झेलते हैं जनता भी बेरोजगारी के, किसी भी तरीके से परेशान है, उसको ये कहता है कि अभी अपना डॉक्यूमेंट लेके आओ। और हम छः साल आसाम में लगे, ये सोचिए कितना साल पूरा देश में लगेगा। 3 करोड़ की आबादी के लिए 6 साल लगे तो 130 करोड़ की आबादी के लिए कितना लगेगा, कितना पैसा लगेगा। और पहला लिस्ट में मान लीजिए कि 120 करोड़ का इन्होंने मान भी लिया, कर भी लिया 120 करोड़ का, ठीक है, आ गया पहला लिस्ट में, बाकी 10 करोड़ होगा। उसके बाद 1 करोड़ को भी आपने मान लिए कि जो बाहर से आए हुए थे, तो आप इनका करेंगे क्या? आगे का सोच के डिसीजन लीजिए, बांग्लादेश तो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। यस सर, मेरा क्वेश्चन यही था कि जो एनआरसी के बाद जो लोग प्रूफ हो जाएंगे कि ये यहाँ इमिग्रेंट्स हैं, तो उनका क्या होगा? नहीं, क्या होगा, सरकार को पता नहीं है, खुद ही नहीं पता। डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं अभी 3,000 लोगों के लिए, आसाम में ही लिस्ट आया 19 लाख लोगों का, बांग्लादेश ना लेगा, ना पाकिस्तान लेगा, ना कोई लेगा, तो 1 करोड़ जनता का। सर, ये फिर करने का ओवरऑल फायदा क्या है, यही तो हम भी सवाल पूछ रहे हैं। ये आपका जनता ये आपका को सवाल है, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए कन्नन गोपीनाथन के हिसाब से? मेरे हिसाब से सरकार को ये जो पैसा खर्च कर रहे हैं, जो हुआ है उसको कहीं सारे, ये देश में जो चीजें कहीं सारी चीजें हो चुकी है, देश को आगे बढ़ने का और प्रोस्पेक्टिव तरीके से सोचना चाहिए। ये 1600 करोड़ अगर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करने के लिए लगा दिए होते, मुझे पता है कि BSF के वहाँ पे जवान किस हालत में रहते हैं, हमने उधर रहे हैं, अगर वहाँ पे जो है, अगर ये 1600 करोड़ अगर उधर खर्च किए होते जवान्स की फैसिलिटीज इंप्रूव करने के लिए, वहाँ की स्ट्रेंथन करने के लिए, कम से कम आगे तो हम ये तय डिसाइड कर सकता है कि एक और बंदा नहीं आएगा। अभी 1 करोड़ को हमने पता भी करके उसको कुछ करेंगे भी नहीं, वो ऐसे ही चलता रहेगा, तो हम क्या मैसेज देंगे अल्टीमेटली? और उसके बाद अभी 19 लाख खर्च किया, उसके बाद 19 लाख लोगों को वापस हमने कुछ नहीं किया, तो क्या मैसेज दे रहे हैं? अरे ये तो करते रहेंगे, पागल लोग हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जाओ। उससे बेहतर जो आगे का प्रोस्पेक्टिव में क्या प्रोसीजर आप सही कर सकते हैं, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। और कहीं सारे इश्यूज है, कम से कम 1,00,000 करोड़ खर्चा होगा या फिर 50,000 करोड़ खर्चा होगा, कितनी सारी चीज़ों पे वो पैसा आप खर्च कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जनता को परेशान करना, सोचिए जनता को कितना परेशान, क्यों कर रहे हैं, क्यों मैं नागरिकता प्रूव करूं? अगर सरकार को लगता है कि मैं इलीगल इमिग्रेंट हूं, तो पूरा सरकार प्रूव करे। अभी भी प्रूव किया ना कर्नाटका में, बिना NRC का प्रूव किया कि 59 लोग जो है वो बांग्लादेश से आए हुए थे, उनको आइडेंटिफाई करके प्रूव करके उनको बाहर कर दिया। तो कौन उस पर सवाल उठा रहे है? कोई नहीं उठा रहे। पर जब ये कहते हैं कि हम प्रूव करें कि हम नागरिक हैं, तो ये तो मुझे नहीं लगता कोई सरकार के अधिकार होना चाहिए। और इससे क्या है, अगला 10-20 साल तक पूरा देश वैसे ही चलता रहेगा, मतलब परेशान हो के हम जहाँ से थे नीचे जा रहे हैं, अर्थव्यवस्था देख लीजिए, ओवरऑल सब कुछ नीचे जा रहा है। हम ये और मैं टेंशन में रहूँगा नागरिक होगा कि नहीं, मैं घर बनाऊँगा क्या, मैं गाड़ी लूँगा क्या, मैं बाइक खरीदूँगा क्या, मेरे को खुद ही टेंशन है कि मेरा सर्टिफिकेट नहीं है, होगा कि नहीं, तो मैं ये सब अगर ये सब नहीं करूँगा तो मेरा अर्थव्यवस्था इम्प्रूव होगा क्या? अर्थव्यवस्था जो है एक सोसाइटी का एक एक्सप्रेशन है, एक एक्सप्रेशन है। जब सोसाइटी पूरा खुश नहीं है तो अर्थव्यवस्था खुश नहीं हो सकता। ये चीज़ समझने की बात है, वो इसीलिए मेरी पूरी तरीके से इनके विरोध में भी इसी बात के लिए है। कश्मीर के मसले में भी कोई भी मुझसे बिना सोचे समझे डिसीजन लेते हैं कि इमोशनल अपनी जो क्राउड को क्या प्लीज करता है वो उस पर वो डिसीजन ले लेते हैं। उनको पता है कि उससे सब हवा ही मिलेगी। उसके बाद जो एक्चुअल सोल्यूशन है वहाँ पे जाने के लिए सोचना पड़ता है, जो आपको सपोर्ट करते हैं उनको भी समझाना पड़ता है कि आप जो सोच रहे हैं वो सही नहीं है। एक मेहनत वाली बात है, समझदारी वाली बात है, वो नहीं करना चाहते, वो कदम नहीं उठाना चाहते कोई भी मुद्दे पे। मेरी बस इतना ही है, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ। थैंक यू सर। पॉलिटिकल इस